हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस किट टू। एंड गाइस, आज आप लोग देख सकते हैं मैं एक गेम में हूँ एंड ये जो कैरेक्टर आपको हिलता हुआ दिख रहा है ये मैं हूँ। सो गाइस, टुडे मैं एक गेम की वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। एंड गाइस, ये जो गेम है इसका नाम PKXD है एंड वहाँ मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है। एंड मैं काफ़ी अपग्रेड हो चुकी हूँ इस गेम में एंड मेरे घर पर 92 लाइक्स है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था और मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। एंड आप लोग अगर इस गेम के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये है PKXD। इसमें आप लोगों का खुद का एक करेक्टर होता है, इसे आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। एंड आप लोग इसमें अपने अपने चॉइस का घर बाय कर सकते हैं अपने रुपीज़ करके। एंड ये तो इसका सेकेंड एनिवर्सरी चल रही है इस गेम की, जो कि मैंने कर लिया है ऐसे अपडेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। अभी मैं अपने घर में जा रही हूँ। सो गाइज हेलो, तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर में एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा घर है। बहुत स्वीट, सो स्वीट घर। एंड ये विंडो से बाहर दिखाई दे रहा है। पहले जो है सब इसका कोई अपडेट नहीं था जब उस टाइम पर, तब इसमें जो हम विंडोज़ लगाते थे तो उस टाइम पर इसमें कुछ दिखाई नहीं देता था बाहर से। लेकिन अब इसमें जो अपडेट आया है इसका न्यू, उसमें सब कुछ विंडोज़ से बाहर दिखाई देता है। एंड ये बेड है जिसपे आप लोग क्लिक करके इस तरह से लेट सकते हैं। इनको पता है वो लोग प्लीज़ बताएं कमेंट में, एंड जिनको नहीं पता है वो लोग देख रहे होंगे। एंड कुछ समझ नहीं आ रहा होगा उनको, काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। ओके, सो ये देख सकते हैं आप लोग सेकंड एनिवर्सरी का जो केक है वो मेरे पास में है। और मैंने इस केक को उल्टा कर रखा है, आई थिंक मुझे इसे सीधा करना पड़ेगा। ये उल्टा है क्योंकि इसका 2 जो इधर से उल्टा दिखाई दे, क्योंकि सामने से करना है। तो ये जो होम वाला ऑप्शन आ रहा है मैं इस पर क्लिक करूँगी। मैंने क्लिक कर दिया है एंड मैं जूम करूँगी एंड उसके बाद में इसकी डायरेक्शन इस पर क्लिक करके चेंज कर दूँगी। ओके, तो अब हमारी चेंज हो चुकी है डायरेक्शन। तो हाँ, तो अब हमारा 2 जो है बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ अपना। ये गाइस मेरी किचन है। ओके, ये जो है मेरी पूरी किचन है। और गाइस हेलो, एंड ये जो है ये मेरा रूम है। इसमें कार वाले 2 बेड्स हैं, इन पर मैं लेट जाती हूँ। ओके, लेट गई हूँ। एंड वो 2 सामने जो है बनी वाले बेड्स हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक विंडो लगा रखी है। ये विंडो खुद से नहीं है, मैंने खुद से लगाई हुई है। ओके, एंड हेलो, एंड ये जो है ये मेरा पेट का रूम है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बस बैठने के लिए जो कि मैंने अपने लिए लगाया हुआ है। एंड बाकी इसमें मेरा पेट सोता है, ये पानी पीने के लिए है, ये खाना खाने के लिए, एंड इसमें वो नहाता है। जो कि मैंने अभी अपना पेट नहीं ले रखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और अभी मैंने पेट जो है, मेरे पास 2 ही पेट्स हैं, ज़्यादा पेट्स नहीं है मेरे पास। ओके, ये मेरा किचन है एंड ऊपर की साइड जाके मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, तो अभी ऊपर चलते हैं। सो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऊपर एंड आप लोग देख सकते हैं। ओह, ये कोई आया है मेरे घर में, विजिट कर रहा है कोई मेरा घर। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बैठूंगी। एंड ये बहुत ज़्यादा मैंने वुड वाला यहाँ पे जो है सोफे लगा रखे हैं 3, एंड यहाँ पे जो है मैंने क्या कहते हैं टेबल लगा रखी है। एंड वहाँ सामने जो है TV चल रहा है। इस पर मैं आपको एक फ़नी चीज़ दिखाऊंगी, दिस इज़। एंड यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, इसको इस फिंगर पे क्लिक करना है। एंड ये जो है ये मेरे पास क्लाउड्स वाले जो हैं, ये कुछ काउचेस हैं, तो मतलब पफ्स, एंड ये इस टाइप का कुछ UFO जैसा। यहाँ पे बहुत कुछ है एंड यहाँ पे हम हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं। ये मेरा कोई फ्रेंड तो नहीं है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग तो है नहीं। एंड वो सामने भी एक रूम है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सामने ये वाला रूम है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये मेरी फेवरेट चीज़ है मेरे पूरे घर में। एंड ये देखिए, ये वहाँ पे जो है मेरा बाथरूम है, ऑन कर दिया मैंने। एंड ये देख सकते हैं आप, ये बहुत गंदी चीज़ है, सो मैं इसमें कुछ कर दे सकती हूँ। सो अभी मैं उठ जाती हूँ एंड इसे बंद कर देती हूँ। ओके, मैंने बंद कर दिया है। सो अभी आपने सब कुछ देख लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये वैसे मैंने थिएटर रूम बना रखा है अपना, ये भी TV है, मैं क्लिक करूँगी चेंज हो जाएगा। ओके, ओह डॉग्स ये। ओके, अभी मैं यहाँ पे भी वुड वैसे लगा रखा है। मैं यहाँ पे कुछ शोपीस टाइप का कबर्ड्स लगा रखे हैं, बहुत क्यूट लगे हैं मुझे ये। एंड ये पूरे 9 सोफे हैं यहाँ पर। एंड आप लोगों ने मेरा घर देख लिया है एंड बाहर का भी देख लिया। अभी हम लोग चलेंगे बाहर और हमें एक चीज़ और दिखा दी, ये बहुत क्यूट सी प्यारी सी चेयर। ओके, तो अभी हम लोगों ने देख लिया है। एंड ये मेरा बैकपैक है, बैकपैक पर मैं कुछ प्यारा सा करूँगी। मेरा मिरर ऑन द वॉल। ओके, चलो अभी हम लोग बाहर चलेंगे, लेट्स गो आउटसाइड। सो गाइस हेलो, मैं आ चुकी हूँ बाहर एंड आप लोग देख सकते हैं मैं बाहर हूँ। एंड अभी हम लोग कहीं जाएंगे तो मैं अपने फ़ोन पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर क्लिक करूँगी।
ओ माय गॉड, ये रोबोट क्या कह रहा है? वेलकम टू द सेकंड पीके एक्सडी एनिवर्सरी। ओके आई नो, प्लीज़ जल्दी हट जाओ रोबोट, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे। एंड आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बोर अगर हो भी रहे हैं ना तो प्लीज़ बोर मत होइए, ये बहुत अच्छा गेम है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ जो है पार्कर रेस है, तो सबसे पहले तो मैं अपने आपको फर्स्ट नंबर पर लेकर आने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रेस करूँगी। ओके लेट्स वी रेस। ये रेस जो है मुझे पहले नहीं आती, जब मैं अपडेट करा था तो मैंने सोचा, पहले भी यहाँ पे एक पार्कर रेस हुआ करती थी जो कि अभी गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर मैंने जब ये वाला अपडेट करा तो इसमें ये वापस आ गई। लेकिन ये वाली पार्कर रेस नहीं थी, वो सिर्फ ओनली हमारे टाउन में होती थी, जो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस वाले लगता है इस बार मैं फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हमसे गड़बड़ हो गया, हमें कहीं पर भी इसमें ठुकना नहीं होता है, जो कि मैं ठुक गई एक जगह पर। माई गॉड, इस बार तो मैं फर्स्ट नंबर पर आने से रही, बट इससे जो है मैं रुपीज़ मिलते हैं 80 रुपीज़ हर पार्कर रेस पर। ईच एंड एवरी पार्कर रेस यू गेन 80 रुपीज़। एंड 50 पेस्ट्रीज भी मिलती हैं, पेस्ट्री से आप कोई भी क्यूट फर्नीचर खरीद सकते हैं, क्यूट फर्नीचर्स। लेकिन मेरे पास जो है अभी पेस्ट्रीज फुल हो चुकी हैं, तो अभी मैं नहीं ले सकती। सेकेंड डे जब आप गेम को ऑन करते हैं तो आपको पेस्ट्रीज और मिलती है 250, और अगर आप चाहें तो और पेस्ट्रीज बढ़ाकर 500 कर सकते हैं। देखिए मुझे 80 रुपीज़ मैंने कलेक्ट कर लिए, मुझे कोई पॉइंट नहीं बनाना। एंड नाउ मैं आपको पार्कर रेस करके दिखाई, बट मैं फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आई हूँ। फर्स्ट नंबर बट मुझे तो 48 बनाना था ना, मैं आ गई हूँ फर्स्ट नंबर। आप देख सकते हैं कीर्ति 306 ऊपर लिखा हुआ है, लीडर बोर्ड पर हूँ मैं, लेकिन 52 से कैसे? बट वो इसलिए हो क्योंकि इन लोगों की जो थी वो थोड़ी कम थे, 53 सेकेंड, एंड ये जो क्रिस्टोफर है इसके 55 सेकेंड थे, बट मेरे 52 हैं इसलिए मैं आगे निकल गई। बट मैं 48 बनाना चाहती हूँ, तो इस बार मैं कहीं पे भी ऐसे ठुकूंगी नहीं। तो जल्दी से करती मैं बहुत अच्छे से जाऊँगी, ताकि मैं कुछ ना हो मेरे साथ। ये ग्लिच हो जाता है ना, देखो ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो गया है, पैरालाइज हो गया बेचारी को। जब ये इस तरह से हो जाती है ना तो थोड़ा ग्लिच सा हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है जैसे ऐसा हो जाता है इसके साथ। ये वाला अपडेट तो अभी तक का मुझे बेस्ट अपडेट लगा है इसका, ये सबसे अच्छा अपडेट है। और अभी मैं कुछ चीज़ और बताऊंगी, पहले मैं बहुत जाऊं नीचे। गॉड, बस थोड़ा सा और करना है मुझे, 48 सेकंड बनाने हैं पूरे, क्योंकि मैं वही चाहती हूँ कि हमेशा जब भी मैं फर्स्ट नंबर पर आना होता है मुझे इसमें पार्कर रेस में, तो मैं पहले 48 सेकंड, बट मैंने 49 सेकंड करे, सॉरी 48 तो नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि यहाँ पे जो ये वाइट वाइट पूरा एरिया आ गया ना, जहाँ पे ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले एक वो हुआ करती थी, एक मतलब पॉन्ड होता था, मतलब एक स्विमिंग के लिए कुछ पूल होता था जिसमें हम लोग स्विमिंग करते थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे हो गया, क्योंकि अपडेट में बोले वहाँ कुछ करना था, तो जो उसके डेवलपर्स हैं उन्होंने वहाँ उसकी जगह इस जगह पर कर दिया। हम लोगों को इसमें जाना होगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ उसके अंदर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूल कर दिया। वैसे तो वहाँ जो पूल होता था उसमें तो बहुत सारी चीज़ें भी होती थी, फ्लोटर्स होते थे क्यूट क्यूट, बनी वाला या फिर शार्क वाला या डॉल्फिन वाले, सब तरीके के, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा है, क्या पता वो अगले अपडेट में आ जाए। सो गाइज यहाँ पे इस तरीके से होता है, लेकिन अभी मैं जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम लोग बाहर जाएंगे। सो गाइज आई एम आउटसाइड ऑफ द पूल एंड मैं देख रही हूँ, ओ माई गॉड ही इज़ डांसिंग, ये लड़का डांस कर रहा है, क्यों ना मैं भी इसके साथ थोड़ा डांस कर लूँ। ओ ये बट ये बहुत फ़नी लग रहा है, जब भी हम फ़ोन चलाते कर रहे हैं इस तरह से, ये बहुत फ़नी डांस चल रहा है। ओ एग हंट, बट मुझे एग हंट पे नहीं जाना है, हम लोग डांस पार्टी अपनी रखेंगे पूरी तरह से। ओ माई गॉड, ये भी होता है, इसे सर्कल्स बन के आ रहे हैं, हम डांस रॉपचिक पार्टी करेंगे, यू डू 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 ये। ओके चलो हम अभी घर चलते हैं। गाइस आप लोग शायद इस गेम के बारे में काफ़ी जान चुके होंगे, शायद मेरे पास 70 जैम्स हो चुके हैं। माय गॉड, मेरे पास 1500 पेस्ट्रीज हैं, लेकिन मैं अभी कुछ खरीद नहीं रही हूँ इन पेस्ट्रीज से। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कुछ नहीं दिखाया, बट गाइस अभी तो सिर्फ मेरा मकसद था आपको इस गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करना कि गेम किस तरीके से होता है। आगे की वीडियोस में मैं और अच्छी तरीके से आपको दिखाऊंगी, अभी तो बस इतना था कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई क्या क्या होता है इस गेम में। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या दिखा सकती हूँ, आगे मैं और टॉपिक सोचूंगी, उस तरीके से आपको बताऊंगी, और इस गेम के बारे में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो भी कुछ होता है वो भी आपको बताऊंगी।
एंड हाँ प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको इस गेम के बारे में पता हो तो प्लीज़। एंड गाइस सो बाय गाइस एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी PKXD के लिए, मतलब PKXD के बारे में। ओके सो गाइस बाय एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके और मैं ज़रूर लेकर आऊँगी PKXD की वीडियो, और आप प्लीज़ बोर मत होइए इस वीडियो से, ये बहुत अच्छी वीडियो होगी आप लोगों के लिए भी। बिकॉज PKXD अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, आप लोग बोर होने का, अगर आप जानते हैं तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। अगर आप PKXD को कोई वीडियो देखने ही आए थे तो ये आपके लिए तो एक अच्छी वीडियो ज़रूर रही होगी, है ना। सो गाइस टाटा बाय बाय सी यू।